नमस्कार दोस्तों। डिवोर्स या फिर तलाक, मेष राशि के पुरुष और वृषभ राशि की यदि पत्नी है, स्त्री है, तो उनके बीच तलाक या फिर डिवोर्स होने के कारण कौन से हो सकते हैं, ये मानसिक कारण, उसी प्रकार कुंडली के बारे में जो भी कारण है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तलाक क्यों होता है या फिर डिवोर्स क्यों होता है। डिवोर्स या फिर तलाक होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है मानसिक, या फिर आपका जो नेचर है वो, आपका जो स्वभाव है वो। अगर आपको अपना स्वभाव या फिर नेचर या फिर आपके जो वैवाहिक विधान है उनका नेचर अगर आपको समझ में आ जाए तो जो डिवोर्स होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम होते हैं। बाकी यदि देखा जाए, अमूमन तौर पर हम ये सोचते हैं कि डिवोर्स होने के पीछे के जो कारण है वो आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या फिर अन्य कोई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। तो आपको जो अपना नेचर या फिर सामने वाले जो व्यक्ति है वैवाहिक जीवन उनका जो नेचर है, मतलब वैवाहिक जीवन में भी जो नेचर है वो किस प्रकार का हो सकता है, उसके बारे में काफी डिटेल में मालूमात होनी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए, मतलब मेष राशि के जो पुरुष है उनका नेचर, या फिर खास करके मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो मेष राशि है संपूर्णतः पुरुष की राशि है। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वो चर राशि है और पुरुष तत्व की ही राशि है। तो यदि किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उसमें ये जो पुरुष का तत्व है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। और पुरुष तत्व सबसे महत्वपूर्ण बात पुरुष तत्व में होती है वो होता है इनमें जो शक्ति होती है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है, आवेग होता है वो जबरदस्त देखा जाता है। अब ये जो बात है वो उनकी हर एक पर्सनैलिटी में देखी जा सकती है, उनके चलने फिरने का जो मामला है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी बोल, उनकी चाल या फिर उनकी जो सोच होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार आधुनिक फैशन के प्रति इनकी जो चाह होती है, अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी वाणी, इनकी जो वाणी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वाणी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे ऐसा ये नहीं चाहते या फिर जो भी बात है वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। जो बात इनके मन में होती है वही इनके होठों पर होती है, इस वजह से जो वाणी है वो तीखी होती है, और तीखी वाणी होने के कारण ही इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं या फिर आते भी है, क्योंकि आप किस तरह के व्यक्ति हो वो आपके वाणी से ज्यादा जज होता है, उसके बाद आप जो भी एक्शन लेते हैं उसके वजह से। तो इनकी वाणी काफी तीखी होती है, तो अमूमन तौर पर लोग इनसे थोड़ा सा अंतर रखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें जो पेशेंस होता है वो काफी कम होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये जो राशि है संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है, तो सोचना देखना ये जो बात है वो इनमें देखी नहीं जाती, जो भी बात है वो जल्दी जल्दी में होनी चाहिए। खुद के बारे में भी इनकी यही बात होती है कि इनके हाथ कोई भी काम आ जाए तो वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, उनको अगर वो काम पसंद आए तो डेडिकेशन लेवल इनका जो होता है वह काफी नेक्स्ट लेवल का होता है, और इसी प्रकार की जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उस प्रकार से नहीं करे तो फिर इनका जो गुस्सा होता है वो चढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये यही बात होती है, इनकी वाणी, इनकी जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ी कम होती है और सीधे सीधे करने वाले या फिर बोलने वाले होते हैं। उसी प्रकार इनकी जो मान अपमान की जो भावना होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, एडजस्ट ये नॉर्मली नहीं करते किसी भी परिस्थिति से, तो इसी वजह से ये भी बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। और किसी ने कोई कोई बात इनके लिए अच्छी भी कह दी और वो उनको बुरी लगे तो वो उस व्यक्ति के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, उसी वक्त उसका जो फैसला है वो कर देंगे। तो ये जो सभी गुण है, ये सभी गुण खास करके रिलेशनशिप के मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये जो गुण है रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन पूरी तरह से जो मेष राशि के पुरुष है वो गलत होते हैं ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो उनका सीधा सीधा बोलने वाला जो नेचर है वो खास करके ट्रस्ट वर्दी होता है, मतलब आप जान सकते हो कि ये जो व्यक्ति है वो असल में कैसा है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति है सामने वाले व्यक्ति की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर ये जैसा साथ चाहते हैं उस प्रकार से अगर बिहेव करे तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति मतलब इनके जो वैवाहिक जुड़दार है उनको पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। नॉर्मली बाकी राशियों में ये जो बातें हैं वो देखी नहीं जाती। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि की स्त्री उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है,
स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और स्थिर स्वरूप राशि है। अब ये जो राशि है वो संपूर्णतः स्त्री की राशि है। अब इनकी जो चाल ढाल है या फिर इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उससे ही आपको पता चलेगा, खास करके वृषभ राशि की जो स्त्री होती है, इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। फैशन स्टेटमेंट इनमें बहुत अच्छा होता है और फैशन के जो सेंस होता है काफी बचपन से होता है, तो इस वजह से इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनके जो वाणी होती है वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मतलब इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हंस कर बोलना, मतलब कोई भी बात है वो चुटकुले में कहना या फिर कोई भी जो बात है काफी इजीली बोलना, डिप्लोमेटिकली बोलना, ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो इसी वजह से इनका जो व्यक्तिमत्व होता है प्रसन्न व्यक्तिमत्व होता है, उसी प्रकार इनका इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा होता है। इस वजह से वृषभ राशि की जो पत्नी होती है वो जो होती है उनके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्शन के देने वाला होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कला के बारे में, इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, मतलब नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके बारे में, खास करके संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में इनके जो अट्रैक्शन इनके पास होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो स्त्री है थोड़ा सा लाइविस्ट लाइफ की तरफ इनका जो झुकाव होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है, इस वजह से इनमें जो स्पेंडिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो स्पेंडिंग है वो खुद के लिए करेंगे, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो स्त्री होती है प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसे वो नॉर्मली ऐसे वैसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन खुद के बारे में थोड़ा पैसे खर्च करने वाली होती है, थोड़ा सा लेजीनेस नेचर इनमें देखा जा सकता है, मतलब घर के काम करना इनको इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, बाहर आउटिंग करना, होटलिंग करना, ऐसी जो बात है तो थोड़ा सा लेविस लेफ्टर का तरफ इनका जो झुकाव होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन इनमें रिलेशनशिप को किस तरह से बढ़ाया जाए या फिर रिलेशनशिप किस तरह से ये करनी है तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, मतलब खुश मिजाज होते हैं, हैप्पी गो लकी वाली इनकी जो मेंटालिटी होती है, इनकी जो मानसिकता होती है वो देखी जा सकती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इनमें काफी अच्छा होता है, खास करके जो मैंने बात कही कि इनकी जो वाणी काफी अच्छी होने के कारण सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, खुद की रिस्पेक्ट रखना, ये बातें जो है वो इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। जैसा ये वीडियो का विषय है कि यदि मेष राशि का पति और वृषभ राशि की जो पत्नी है इनमें जो डिवोर्स के कारण है, मतलब तलाक के जो कारण है वो कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण तो अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रॉब्लम में आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मेष राशि के पुरुषों के लिए वो होता है इनकी वाणी, इनकी जो वाणी होती है वो बहुत तीखी होती है और काफी ज्यादा एक्सट्रीम पर बोलते हैं, मतलब कोई भी बात अगर इनको नहीं जचे तो काफी मतलब वो कट ऑफ ही कर देंगे, तो ऐसी जो बात है और उस प्रकार के निर्णय भी वो लेते हैं। मतलब मेष राशि के बारे में ये खासियत होती है कि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं पहले कृति करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं, तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। उसी प्रकार कोई भी बात अगर हंस कर भी वृषभ राशि के पत्नी ने कोई भी बात इनको कह दी तो वो उनको सहन नहीं थी, उनको वो अपमान लगता है, उनके जो पौरुषत्व होता है, पुरुष का जो अहंकार होता है उसे ठेस लगती है और हमेशा वो चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उनसे थोड़ा सा नीचे ही बात करे। अब ये जो बात है वृषभ राशि की जो पत्नी है वो एक लिमिट तक, एक मर्यादा तक देखेगी, लेकिन उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है क्योंकि स्थिर राशि है, देखिए तो वो अपने अगर कोई बात चूकती है तो वो अपने बातों पर अड़ी रहेगी। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पुरुष हैं उनको जचती नहीं, तीन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि की जो पत्नी है इनको घर से ज्यादा घर के बाहर का खाना या फिर आउटिंग करना या फिर रेस्टोरेंट में जाना या फिर मूवीज वगैरह देखना या फिर शॉपिंग करना, ये जो बातें वो काफी ज्यादा पसंद होती है। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पुरुष है उनको पसंद नहीं आती, कभी कभी इस पर ज्यादा स्पेंडिंग होता है जो कि मेष राशि के जो पुरुष है वो उनको ये बात पसंद नहीं आती या फिर उन्हें नहीं जाती। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए वृषभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनका अस्त्र होता है या फिर उनका जो गुण होता है वो होता है उनकी वाणी, इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है और इनको बोलना काफी ज्यादा पसंद आता है, जो बात आप में अच्छी है वो करने में ज्यादा आपको मजा आता है। अब ये जो वृषभ राशि की पत्नी है करीबन हर एक व्यक्ति के साथ उसी तरह से रिएक्ट करती है, बोलती है, और जिस वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है उस उनको उनका जो व्यक्तित्व है वो भी काफी पसंद आता है। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पति है अलग ही नजरिए से वो ले सकते हैं, इनके मन में फिर
अपने पत्नी के लिए कुछ अलग विचार आ सकते हैं। अलग विचार मतलब आप समझ में गए होंगे कि कौन से विचार, तो थोड़ा सा वो डाउटफुल नेचर में आता है, और वो जो डाउट्स है वो आगे जाके जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो वाणी है को बोलने का जो तरीका है वो वृषभ राशि का अपना एक मूलभूत क्वालिटी है, वो उससे छोड़ नहीं सकते। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब ये जो बातें हैं, दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि की जो पत्नी है उन्होंने एक बार कोई मन में ठान ली कोई भी बात, तो उसे वो नॉर्मली छोड़ती नहीं। अब ये जो बात है वो भी मेष राशि की जो पति है उनको अच्छी नहीं लगती। तो दोनों तरफ से जो बातें हैं वो अगर आप एडजस्ट कर लो तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। और तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो जो मेष राशि में आने वाली या फिर वृषभ राशि में आने वाले जो नक्षत्र है वो भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे कि मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब यहाँ पर वृषभ राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो अश्विनी या फिर भरणी नक्षत्र के बारे में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए अश्विनी जो नक्षत्र है इसमें मेष राशि के जो भी मैंने गुण कहे कि इनमें थोड़ा सा पेशेंस कम होता है, हमेशा आगे बढ़ने की जो वृत्ति होती है देखिए होती है, बहुत ज्यादा ऐसे जो व्यक्ति है वो हार्ड वर्किंग, तो ये जो सभी बातें हैं वो अश्विनी नक्षत्र में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। अब यदि अश्विनी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र मतलब वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र की स्त्री हो तो जो बातें हैं कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि में जो कृतिका नक्षत्र आता है उस वह और मैं वृषभ राशि की कोई भी नक्षत्र मतलब वृषभ राशि में आने वाला कृतिका नक्षत्र, रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र, इससे मतलब यदि रिलेशनशिप में है शादी में है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर खास करके जो मृग नक्षत्र है मतलब वृषभ राशि में जो मृग नक्षत्र है वो काफी ज्यादा एडजस्ट करने वाला नक्षत्र होता है। मतलब मृग नक्षत्र की यदि स्त्री है तो वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होती है, वो काफी ज्यादा अलर्ट भी रहती है, और इनमें जो मैच्योरिटी लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो नॉर्मली वृषभ राशि के मृग नक्षत्र की यदि स्त्री है तो जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र की यदि स्त्री है, क्योंकि वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र के आते हैं, तो कृतिका नक्षत्र की स्त्री है तो फिर मेष राशि के जो पुरुष है उनके लिए वो जो प्रॉब्लम वाली बातें अब तक हमने डिस्कस की वो आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। और जो स्टबन नेचर है वो कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र में काफी ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से जो बातें हैं प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। इनकी जो बॉटम लाइन है वो वही है जो भी मैंने बातें मेष राशि के पति या फिर वृषभ राशि के पत्नी के बारे में कही, तो अगर आप एडजस्ट करते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। अब देखिए आपके कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि शुक्र जो वैवाहिक जीवन का कारक है वो कौन से राशि या फिर नक्षत्र में, खासकर नक्षत्र में या फिर कौन से ग्रहों के योगों में है। खास करके यदि शुक्र जो है वो मंगल के केंद्र या फिर प्रतियोग में होगा, राहु केतु नेपच्यून हर्षद ये जो ग्रह इनकी युति में होगा या फिर प्रतियोग में होगा तो भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लीट हो सकती है वैवाहिक जीवन के लिए। उसी प्रकार यदि शुक्र जो है वो कृतिका नक्षत्र में होगा, आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र में होगा तो भी जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। खास करके वृषभ राशि की जो पत्नी है उनके बारे में भी यदि मंगल जो है, मंगल ग्रह काफी महत्वपूर्ण होता है, यदि मंगल जो ग्रह है वो मेष राशि में होगा या फिर मिथुन राशि में होगा, कन्या राशि में होगा तो भी जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है कि आपके कुंडली में जो ग्रह है वो किस प्रकार के हैं, और जो डिवोर्स की जो भाव है, डिवोर्स जो होने वाला है कौन से लेवल तक हो सकता है, या जो बातें हैं बिगड़ सकती है या फिर नहीं बिगड़ सकती, क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके अगर व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से पता चले तो एडजस्ट करने के लिए जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आपको या फिर कॉम्प्लिकेशन आपको लगती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पति और वृषभ राशि की जो पत्नी है डिवोर्स के चांसेस इनमें कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, और डिवोर्स न हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।